आज वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7 चैनल। इस चैनल के माध्यम से अगर देखें तो हम आप लोगों को अगर देखें तो अपनी स्ट्रेटजी क्या होती है, या अगर देखा जाए तो हम में से कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो और उसके लिए हम लोग UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। तो UPSC की तैयारी के लिए जो बिगनर्स हैं, यानी कि जो अभी अभी जिन्होंने शुरुआत करनी चाहिए है या जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, किन किन पॉइंट्स को उनको खास तौर पर ध्यान देना होगा अपने जीवन में या अपनी जीवन शैली में किस तरीके से उन्हें परिवर्तन लाना है, ठीक है, और कैसे आप लोगों को अपनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो बिगनर्स के लिए जो टिप्स हैं, उन टिप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टिप्स है रीड केयरफुली योर सिलेबस। आप सबसे पहली चीज, तो जब भी कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर करने जाते हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग अपने आप को सुटेबल मानना चाहते हो, तो सबसे पहला काम होता क्या है कि आपको अपने सिलेबस से थॉरली आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि बस खाली कुछ थोड़ी बोड़ी चीज़ें होंगी, ये एकदम छोटी चीज़ है। UPSC अपने आप में, यानी कि IAS अपने आप में आपका क्या है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इसके लिए इसका सिलेबस भी क्या होगा, बड़ा होगा, और सिलेबस को सबसे पहले आपको पूरा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, और कंपोनेंट्स जो आपके सिलेबस के हैं उनको जानने के बाद किन पॉइंट से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी आपको देखना पड़ेगा सिलेबस को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने के बाद, ठीक है। किस तरीके के से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस के बिहाफ पर अगर देखें तो आपको किस कौन से ऐसे क्षेत्र है, वैसे तो इसका कोई लिमिटेड क्षेत्र नहीं है, हर साल अलग अलग जगह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, ठीक है। सेकेंड पेपर में आपका क्या किया जाता है, रैंडम क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो ये आपके IQ लेवल को देखता है कि कितनी चीज़ों को आप ग्रैप कर पाते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सिलेबस को जब अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपको पता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, और आपको उसी के अकॉर्डिंग, आप उससे इधर उधर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो मेन जो आपके सिलेबस में हैं चीज़ें उनको आप आसानी से कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सिलेबस को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका प्रैक्टिस, यानी कि आपको एक प्रैक्टिस प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस प्लान यानी कि आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक है, कि किस तरीके से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्लान आपका होगा, और इस प्रैक्टिस प्लान में आपको कई सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको कौन कौन से सेलेक्टेड बुक्स हैं, यानी कि बुक्स का सिलेक्शन कैसे करना है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका बेस बिल्कुल नहीं है तो सबसे पहले आप प्रेफर करिए NCERT, ठीक है। NCERT जो है ये आपका क्या है, बेस है किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है। तो NCERT को आप लोग प्रेफर करिए, साथ ही साथ आपके टेस्ट आप दीजिए, ठीक है, जितने भी टेस्ट आप मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, उससे आपका अपने आप को इवेल्युएशन करिए हमेशा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, ये सारी चीज़ें। तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस प्लान के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, और उस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो आप लोग देखिए, कभी भी नोट्स से नोट्स मत बनाइए, जैसे बहुत सारे हैं, आप नेट पे सर्च करते हैं क्योंकि ऑन डिजिटल इंडिया आपका हो चुका है, तो यहाँ पर नोट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो नोट्स अगर कोई बनाता है बेटा, तो वो किसी बुक से बनाता है, तो वो बुक की एक तरीके से क्या हो गया, वो आपका बुक का शॉर्ट फॉर्म हो गया। लेकिन अगर आप किसी के नोट्स पढ़ करके अपने नोट्स बनाएंगे तो वो आपके माइक्रो नोट्स हो जाएंगे, तो वो आपके लिए कोई भी बिल्कुल भी बेनिफिशियरी नहीं होते हैं, ठीक है। उससे अगर सोचें कि नोट्स से नोट्स बना करके आप अगर कर सकें, बिल्कुल नहीं, आपको खुद के अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, और वो भी आपको बुक से बनाने पड़ेंगे, ठीक है।
क्लियर। और नोट्स बनाने के बाद जो नोट्स हैं उनको लास्ट के लिए अपने रिवीजन के लिए रखिए, यानी कि शॉर्ट नोट्स भी उसमें होंगे। और शॉर्ट नोट्स में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने प्लानर, जैसे सिंपल से एग्जांपल लें कि जैसे कि ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, और ज्योग्राफी में आप कोई नोट्स बना रहे हैं या अगर कुछ उसमें आपका पार्ट ऐसा है जो कि आप लोग क्या करते हैं कि उसमें लेंदी यानी कि उसके थ्योरेटिकल पार्ट में जाते हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट में अगर देखें, थ्योरेटिकल पार्ट को अगर नोट्स बनाते हैं तो एग्ज़ाम के समय पर रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपका सीधे सीधे आप लोग क्या करिए कि आप इंडिया का डायग्राम, ठीक है, यानी कि जो आपका इंडिया का मैप है आप उस मैप को बनाइए, और मैप को बना करके जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पर मेंशन कर दीजिए, वहीं पर थ्योरी लिखने के यानी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके बाद। तो इससे एग्ज़ाम के समय पर आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे ही पन्ने पलटेंगे आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हैं और ऐसे हैं। तो आपका जो नोट्स हैं ये नोट्स तो बनाइए लेकिन ये आपके लास्ट के लिए रहेंगे यानी कि रिविज़न के लिए, ठीक है, क्लियर। लेकिन उससे पहले आपको ब्रुक ही प्रेफर करनी पड़ेगी, ठीक। साथ ही साथ आपको अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आपको सारी चीज़ों को रिवाइज भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी अंदर रिवीजन की हैबिट होगी, आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो वो बार बार अगर आप उस जगह से आप निकलते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और एक रास्ते में पहली बार आप गए तो कई बार गलतियाँ होंगी, लेकिन अगर उसी रास्ते से आप दो तीन बार गए तो कहाँ पर मुड़ना है वो या कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर गड्ढे हैं, ये सब आपको पता होता है। तो वैसे ही आप अगर आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन को अपनी हैबिट में ले आते हैं, तो उससे क्या होगा कि चीज़ें आपके ब्रेन में आपकी मौजूद रहेंगी, और जैसे वहाँ से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मोल्ड भी किया जाता है तो आप एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फिर बढ़ते हैं। तो रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपको रिवीजन की हैबिट सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, आपको सारे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आपको रिवीजन की हैबिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो रिवीजन की हैबिट आप सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक। साथ ही साथ आपको आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको बनाना पड़ेगा, फाउंडेशन यानी कि बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए जब आप चीज़ों को थॉरली आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि आप लोगों को लगता है कि नहीं वो आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन उसको इवैल्यूएट करिए, क्या वाकई में आपके लिए वो चीज़ें अच्छी हैं या आपको लग रहा है कि वो अच्छी हैं इसलिए आप उनको अच्छा मानते हो। तो इस बेस पर जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को ये नहीं समझेंगे कि ये किस तरीके से आपके लिए आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं या किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियरी हैं, तो अगर आप चीज़ों की महत्ता को समझेंगे तभी आप अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि फाउंडेशन बना पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ है, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें बेसिक तीन चीज़ हैं कि ये क्या चीज़ है यानी कि व्हाट इज़ दिस थिंग, ठीक है, दूसरा व्हाई यानी कि क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं या क्यों ये चीज़ें ज़रूरी हैं इसके बारे में जानना, ठीक है, और हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो व्हाट व्हाई और हाउ, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को हर एक चीज़ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप अपना एक बेस प्रिपेयर कर पाएंगे यानी कि एक फाउंडेशन जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक कभी भी इमारत बुलंद नहीं हो सकती है, इसलिए आपको अपना फाउंडेशन यानी कि बेस बनाना, बेस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा आपका रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब निर्भर करता है कि किस तरीके की न्यूज़ आप प्रेफर कर रहे हैं, और न्यूज़पेपर में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका पॉइंट क्या होता है
कि उसका जो एडिटोरियल पार्ट है, आपको एडिटोरियल पार्ट को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लोगों के थॉट्स को, विचारों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके विचार शक्ति जो है वो मजबूत होगी। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर से आपका करेंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर्स के बेसिस पर आप लोग क्या करिए कि जैसे मान लीजिए अभी कोई मौसम में बदलाव आया, कहीं पर कोई तूफान आया, अब उस तूफान के आने पर क्या क्या चीज़ें, ये क्यों बनता है, ठीक है, ये तूफान है क्यों, ये क्यों बना, ठीक है, और उसके हमारे समाज पर, हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ा, या उसने कितना डिज़ास्टर किया। अब उस डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए जो हमारे ऑलरेडी जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप ली, किस तरीके से उसको मैनेज किया, तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी। तो इसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। या इकोनॉमी में किस तरीके से अर्थव्यवस्था, जैसे कि इस समय पर अभी नया आपका शुरू हुआ है, बिल स्टार्ट आपका आया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में मिलती हैं, ठीक है, क्लियर, कि कैसे कैसे किस किस कहाँ पर कितना फंड इंक्रीज़ किया गया, कहाँ पर फंड डिक्रीज़ किया गया, इसका सामान्य इंसान पर क्या असर पड़ेगा, उसकी पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अपने आप का जो सोशलाइजिंग है, यानी कि आप जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो सोशल आपको सोशलाइजिंग आपको लिमिटेड करनी पड़ेगी, ठीक है, उन लोगों के साथ मिलिए जो ऑलरेडी या प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी वो लोग जो कि एक पाथ पर, एक राइट पाथ पर हैं, और ये सोचना आपको खुद ज़रूरी है। आप खुद से देखिए कि सामने वाला बंदा जिससे हम जुड़ रहे हैं तो वो क्या है, कि वो अपना, उसकी स्ट्रेटजी ठीक है कि नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी उस बिहाफ पर कैसे फॉलो हो रही है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ से इंटरैक्ट होने के बजाय, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी भीड़ से आप इंटरैक्ट हो, आप सिर्फ कुछ लोगों से मिलिए, अपना जो सोशल जो दायरा है, आपके समाज का दायरा है, उसको क्या करिए, थोड़ा सा कम करिए, ताकि आप लोग एक आराम से क्वालिफाई कर सकें और अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ। इसके अलावा आपको एक डेडलाइन भी सेट करनी पड़ेगी, कि आपने टारगेट बनाया कि नहीं आज हमें इतनी चीज़ें कवर करनी हैं, तो ये आपकी डेडलाइन है कि इस चीज़ को आपको कवर करना है, और उस डेडलाइन के बिहाफ पर आपको उस डेडलाइन को फॉलो भी करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इस डेडलाइन को के बिहाफ पर अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा एडवांस बना पाएँ। तो डेडलाइन बहुत ज़रूरी है, और सारे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। साथ ही साथ आपको अपनी स्पिरिट को बहुत ज़्यादा हाई रखने की ज़रूरत है। स्पिरिट हाई कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर अगर देखिए तो स्पिरिट हाई के केस में देखें तो आज हमने प्लान किया कि नहीं हमें आईएएस के प्रिपरेशन करनी है, हमने प्रिपरेशन के लिए सारी तैयारियाँ बना ली, लेकिन अगले दिन से ढीले पड़ गए, यार नहीं होगा, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं, आपको, आपने अगर सोचा है कि नहीं आपको करना है तो आपको करना है, आपको अपना जो एंथुजियाज्म है, अपने अंदर जो एंथुजियाज्म है, इसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है, कि किस तरीके से आप इसको क्या करें, यानी कि बहुत तेज़ी से आप लोग इसको मेंटेन करें, ठीक है, क्लियर। तो अपनी स्पिरिट को हाई रखना है, ये बेसिक टिप्स हैं बिगनर्स के लिए, कि किस तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए